व्हाट्सअप तो देखा जाए तो मैं अभी सिर्फ ज्यादा नहीं, एक महीना ही हुआ है मेरे को, और वो भी सिर्फ गर्लफ्रेंड की वजह से। गर्लफ्रेंड पे क्या है, थोड़ी घर पे प्रॉब्लम रहती है तो कॉलिंग पे नहीं हो पाती, तो सिर्फ व्हाट्सअप। तो वो जब तक गर्लफ्रेंड जगाती है तब तक जगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैं तो सबसे पहले अपने फैमिली वालों को ब्लॉक कर देती हूँ अगर ज़्यादा रात तक ऑनलाइन हूँ तो। और डीपी तो बहुत चेंज होती है दिन में, स्टेटस भी होते हैं। मे बी ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है व्हाट्सएप पे, लेकिन जैसे हॉलीडेज चलते हैं, छुट्टियाँ चलती है घर पे, तो बोर हुआ तो फिर यही चीज़ें रहती है जिससे टाइम पास होता है। यूजफुल तब होता है जैसे कुछ नोट्स हमारे छूट गए तो फ्रेंड्स वगैरह इसका पिक्स भेज के हम बस इतना यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं। बस हाँ, रिलेशन में डिस्टेंस हो तो फिर थोड़ा बहुत उसमें लगता है। बाकी मुझे सबसे ज्यादा जोर आता है टाइपिंग में, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। हाँ, जैसे कुछ नई खींची है तो फिर जरूर उसको पोस्ट करूँगी, लगता है कि हाँ देख रहा हूँ मैं भी। लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट तो नहीं है व्हाट्सअप, हमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे लोग पहले करते थे वैसे। थोड़ा सा पुराने ख्याल के बोल सकते हैं मुझे, इसलिए सब होता है वीडियो कॉलिंग सब। Okay, अच्छा, मतलब वीडियो कॉलिंग शुरू कर दिया है आप लोगों ने भी, हाँ, तो नया सब फीचर है व्हाट्सएप का। सब फ्रेंड से ही बात होता है, सबसे बात हो जाती है। Okay, एक घर से दूर भी रहते हैं इसलिए है ताकि आप सबसे जुड़े, सबसे जुड़े हैं। घर से भी दूर हैं हम तो घर पे भी बात हो जाए और सबसे फ्रेंड से भी बात हो जाए। व्हाट्सएप एक डेली नीड में आता है और उससे अपना थोड़ा सा मूड चेंज होता है, अपन दूसरों से कनेक्ट रह पाते हैं, जो भी वो अपन से शेयर करना चाहते हैं वो अपन शेयर कर सकते हैं, जो अपन उनसे शेयर करना चाहते हैं अपन उनसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप अच्छी चीज़ है, सबसे जोड़ कर रखती है, और क्या चीज़ है। और इससे इसमें बहुत बहुत नए 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 फीचर्स आ रहे हैं, स्टोरीज डाल सकते हैं अपने को, जो करंट मूड पे, करंट कहाँ पर है आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मूड स्विंगर हो सकता है व्हाट्सएप बहुत बड़ा। एक नुकसान व्हाट्सएप का, एक नुकसान है, पापा घर से फ़ोन करके बोलते हैं बेटा वीडियो कॉलिंग करो, काम दिखाओ। मैं उसको कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ करती हूँ और मेरा ऐसा कुछ नहीं, फैमिली में कोई बाउंडेज नहीं है, सब चलाते हैं व्हाट्सएप, किसी को ब्लॉक नहीं करा है। डीपी ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, नॉर्मली रखती हूँ, और हमारा कोचिंग का है तो वो सब उस पर ही आता है, तो बहुत यूज़फुल है। बाकी ज़्यादा देर भी ऑनलाइन ही रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे जो जोक्स आते हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको, उससे क्या मूड वगैरह चेंज होता है? बस 2 मिनट के लिए नॉर्मल हंसी मजाक, उसके बाद कुछ नहीं। Okay. और मैं फॉरवर्ड भी नहीं करती किसी को। व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है आजकल के जनरेशन के लिए कि मतलब जो भी आप करंट में हैं या कहीं पर भी हो, वो सब पूरी तरह से दोस्तों के सामने आप दिखा सकते, जाहिर हो जाता है, आप उसकी वजह से किसी को झूठ नहीं बोल सकते, चाहे वो मम्मी हो पापा हो। आजकल डिजिटल की वजह से वो लोग भी बहुत अवेयर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदे भी है और नुकसान भी है इस चीज़ के। और फिर ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहे तो कुछ गलत ही समझने बैठ जाते कि ज़रूर कुछ और गलत कर रहे होंगे, तो ये उसके नुकसान हो गए। और फ़ायदे तो है सही, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं के लिए और ऑफिस वालों के लिए सबसे ज़्यादा।